तो लोग तीन गाना बैठ के एंजॉय करते, लोग आज भी सीटियां मार रहे हैं। आज इसको कितने साल हो गए, अभी गाना चल रहा था, दुनिया हसीनों का मेला, लोग सीटियां मार रहे। तो गरीब को एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं, भले उसकी जिंदगी में टेंशन है, मैं तीन घंटा बैठ के आराम तो करेगा बेचारा। अल्फ्रेड टॉकीज में मुंबई का आइकॉनिक थिएटर, विजय जी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने कवर किया जी, आप आज आए हो अल्फ्रेड टॉकीज में, क्या कहना चाहिए? या उस जमाने में 80s में मैं भी यहाँ आया करता था, 55 साल का रिकॉर्ड है इस थिएटर का, यह रिपीट फिल्में आती, कभी नई पिक्चर कभी, लेकिन नहीं मुश्किल से कभी नई पिक्चर आएगी। देखो आज भी यहाँ गुप्त लगी है, 30 रुपये टिकट है, लेकिन लोग आज भी है, इन्होंने मेंटेन करके रखा है, बाहर पोस्टर्स नहीं है कि कितना भाड़ा भरेंगे लोग, प्रॉपर्टी टैक्स, लाइट का बिल, अब 30 रुपये में लोग कहाँ से आएगी, सिर्फ 3 शो है, 50% ऑक्यूपेशन के साथ फिर लोग थिएटर चला रहे, बहुत बड़ी बात है, थिएटर में अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अभी यहाँ पर लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, तो मोबाइल कहाँ से होगा, तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, तो ऐसा थिएटर होना चाहिए कि लोग गरीब लोग आ जाए, फुटपाथ पर रहने वाले लोग यहाँ पर आते, हमने देखा बहुत भीड़ थी, 30 रुपये में लोग टिकट पिक्चर गुप देख रहे हैं, अगले हफ्ते आएंगे राम लखन, ऐसे ऐसी पिक्चरें भी आज चल रही है, तो बहुत बड़ी बात है, इसको ये लोग ने जिंदा रखा अल्फ्रेड को, तो सरकार को भी जिंदा रखना चाहिए गरीब लोगों के लिए। तो लोग तीन गाना बैठ के एंजॉय करते, लोग आज भी सीटियाँ मार रहे हैं, आज इसको कितने साल हो गए, अभी गाना चल रहा था, दुनिया हसीनों का मेला, लोग सीटियाँ मार रहे। तो गरीब को एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं, भले उसकी जिंदगी में टेंशन है, मैं तीन घंटा बैठ के आराम तो करेगा बेचारा। तो सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि थिएटर को बचाइए, माना यहाँ 20-25 थिएटर है, सभी तो मत बंद करो, कुछ तो चालू रखिए। इनकी हिस्ट्री है विजय जी, हिस्ट्री है, ये जो बैनर्स लगाते थे जी 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 हाँ जी, वो हैंड पेंटेड होते थे जी, हैंड पेंटेड, यस, सेट का इतना लगाव था कि हैंड पेंटेड कराते थे, और मुझे पता है यहाँ बड़े बड़े बैनर लगते थे, समझो उसमें समझो बच्चन साहब की पिक्चर थी, वो दो अनजाने बच्चन साहब थे, मिथुन का तो खाली साइड था, लेकिन मिथुन के बड़े बड़े कटआउट ऐसा खड़ा है मिथुन, तो लोग देख कर जाते थे पिक्चर देखने के लिए, मुझे याद है। तो ये लोगों ने अभी तक जिंदा रखा है कि उनका लगाव है, कि इनकी रोजी रोटी है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए। आज भी जब हम यहाँ खड़े थे तो जो ऑडियंस आ रही थी जी जी, वो पोस्टर बहुत ध्यान से देख रही थी, कौन 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 है, कौन कौन है कास्टिंग में, नाम नहीं देखा पिक्चर का, लेकिन चेहरे देख रहे कि बॉबी देओल है, काजोल है, लोग देख के लोग जाते, और 100 से ज्यादा लोग आए, 100 से ज्यादा लोग आए। आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, हम मोस्टली आएंगे वापस अल्फ्रेड सिनेमा में जी जी जी, और उनके जो ओनर है मैनेजर जी जी जी, उनसे जरूर बात करेंगे। यस आप यस भी आइए विजय जी, यस यस, थैंक यू।